Assalamualaikum, welcome to another superly amazing and delicious video once again on the Khan channel. तो भाई रोटी कपड़ा खान इंट्रो मेरे स्टाइल में चैनल इनका आगे भाई आप खुद ही करें। आज मैं साकिब भाई के साथ आया हूँ अंदरून लाहौर नहीं 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 अंदरून लाहौर नहीं था ना अंदरून लाहौर सरगोधा में ये हम सरगोधा आ गए। सरगोधा आए आज मैं और साकिब भाई और अभी हम लोग खड़े हुए हैं जी गोल चौक से हम लोग सीधा आए हैं कचहरी बाजार और कचहरी बाजार में हम लोग तीन चीजें खाने पीने के लिए आए हैं मैं और साकिब भाई। एक है जी उर्दू बाजार टू बी प्रिसाइज हम लोग अभी हैं। यहाँ पे महर लस्सी हम लोगों ने पीनी है हम लोगों ने खालिद नान शॉप से और खालिद नान शॉप से ठीक है हलीम और आगे तीफे के हम लोगों ने चने खाने पीने के लिए हम लोगों ने जाना है। तो अब बस हम लोग शुरू करते हैं एंड विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग आपको खाना दिखाते हैं शुरू हो जाए। खालिद नान शॉप हम लोग आ गए हैं और ये सामने आपको नजर आ रहा है जी गोल चौक जिसको मस्जिद चौक भी कहते हैं वहां से आपने आना सीधा इस तरफ टूवर्ड अम्बाला स्कूल यहाँ पे उर्दू बाजार है पर आपको यहाँ पे अपने नजर आ जाएगा खालिद नान शॉप और हमारे सारे पॉइंट्स आज इधर ही हैं। इधर खालिद नान शॉप है इसके आगे आपको इस गली में जाएंगे तो आपको तीफा भी मिल जाएगा और आगे आपको मेहर की लस्सी भी मिल जाएगी। हम आहिस्ता आहिस्ता आपको ये तीनों चीज़ें ट्राई कराते हैं और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको इधर साकिब भाई भी नजर आ जाएंगे। ओहो 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 ये माशाल्लाह ये फुल प्लेट निहारी की हो गई है अच्छा 250 रुपये की हाफ प्लेट फुल प्लेट यानी 500 रुपये की होगी है नहीं नहीं लगा ये माशाल्लाह हलीम आ गई हलीम की क्या प्राइस है जी हलीम 80 रुपए की प्लेट साकिब भाई को फौरन से परेशानी होगी कि हमारा खाना ठंडा हो जाना है अच्छा जी जबरदस्त तो कितनी पुरानी दुकान है कब से यहाँ पे आप 40-50 साल से हो गए और आप साकिब भाई को बता रहे थे कि एक आने की रोटी माशाल्लाह तो एक आने में तो अब तो किसी को पता ही नहीं आने का कॉन्सेप्ट क्या है पूरी प्लेट एक आने में देते थे अच्छा कबाब होते थे तो ये आप लोग 25 साल हो गए अच्छा कबाब खत्म कर दिए ऑयल आ गया ये अच्छा ये गरम मसाला है गरम मसाला चाट मसाला दोनों और कितने बजे तक आप ये देते हैं निहारी और हलीम कितने बजे तक चलती है अजान के वक्त ओह यानी इतना आपका तकरीबन 24 घंटे का ही काम एक तरह से हुआ ओहो 20 घंटों से तो ऊपर का काम है ही है आपके तो आपके अलावा और कौन होता है हाँ जी साकिब भाई लगाए साथ लगाए आपके भाई होते हैं साथ ठीक है खालिद वो है उनको 10 रुपए की दे दी आपने अच्छा 150 रुपए दिया अच्छा ठीक है अच्छा बकाया देखिए ठीक है अच्छा माशाल्लाह एक चीज़ है इन्होंने ये देखें प्रॉपर जालियाँ लगाई हुई हैं जो कि फटी भी नहीं हुई तो आप एटलीस्ट ये आप देख सकते हैं कि साफ सुथरा आपको खाना मिलेगा क्योंकि मेन रोड पे है ना तो सारी धूल मिट्टी सब कुछ इधर आता है गुलगुले वाली रोटी मिलेगी शाही रोटी मेरी रोटी जो है गुलगुले वाली ये भाई को थोड़ा सा और फुला के ना मसाला इस तरह से आपने फुला के लगे कि इसकी तारीफें बहुत ज्यादा हुई हैं वो भूल जाए जी तो ये तड़का अब हम लोग लगवाने लगे अपनी निहारी को निहारी आ रही है। मजे की बात ये है कि इधर तड़का जो है वो देसी घी का नहीं बल्कि चाटी के मक्खन का लग रहा है निहारी के लिए लाए सर तड़का तो लगाए साथ अंदर अदरक है मिर्चे हैं माशाल्लाह तबाहियां बच रही हैं साकिब भाई को ना ये अरोमा बड़ा अच्छा लग रहा है इसका मक्खन का तो भाई साहब तड़का लगने लगा है ये ऊपर चाट मसाला चाट अब गरम मसाला गरम मसाला बड़े बन रहे हैं
हैं गर्मा गर्म निहारी जो। अच्छा अब रंगत थोड़ी डिफरेंट होगी। रोटी हमने पकाई थी ना बुलबुले वाली, यानी खमीरी रोटी। ये बुलबुले वाली मैंने पहली दफा लफ्ज सुना साके भाई से, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि कहते खुला के अच्छे तरीके से। तो हमने वो अभी इसके साथ हमने बनवाई है खाने के लिए। सुबह सुबह का टाइम है लेकिन फिर भी हम खाएंगे। और क्या खुशबू आ रही है यार निहारी के खिलाफ, तो बहुत कमाल खुशबू है क्योंकि उसको तड़का लगे मक्खन का, जो कि उसका मज़ा ना देखने में तो अभी दुबला कर रहा है, खा के पता लगता है कि वो दुबला वाकई हुआ भी है या ठीक है बस नॉर्मल सर। ये ऊपर जा रहे हैं, सिटिंग ऊपर आ गए हैं। सिटिंग ये सामने आपको प्यारा प्यारा एक अम्बाला स्कूल का व्यू भी मिलेगा। कोई प्यारा नहीं है, बहुत गंदा व्यू है। तो जी मैं और साकिब भाई अब ये ज़रा एक एक नवाला लेके देखते हैं कहाँ से पहले ज़रा नवाला बनाए अपना। पहले हलीम ट्राई कर लेते हैं, पहले खान, पहले खान फिर खान की जान आ जाए। शुरू करें हलीम ट्राई। अच्छा हमने इस पर लीमू तो डाला नहीं, थोड़ा सा मैं तो डालूंगा, इस पर भी डालूंगा आपकी तरह। ये इसको आप क्या कहते हैं, नहीं ये ऑप्टिमम बाइट ही नहीं होता। अच्छा ये वो वाला नहीं है, खाली लीमू नहीं होता है उसके अंदर, सब कुछ आता है। चलें ये आगे इसके अंदर एक छोटा सा बीज वो भी निकाल लें जरा, हैवी खट्टा हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह, ये देखें जी नवाला एक प्रॉपर। तीन उंगलियों से खाना सुनना था भाई, बस ये पांच उंगलियों से नहीं खाना चाहिए, तीन उंगलियों से खाना सुनिए, दो उंगलियां ये और ये कमीटा, तीन उंगलियों से खाना सुनना था। बिस्मिल्लाह वा अना बरकतुल्लाह। लीमू दे मज़ा है और इधर के स्टाइल के मुताबिक इधर का अपना शशका है वो ये है कि ना ये थोड़ा सा आपका जो गरम मसाला है या आपकी काली मिर्च इन स्पेसिफिक वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हमने ओवरकम करने के लिए ऊपर लीमू ने छोड़ा है और बहुत बेहतर हो गया। हलीम अभी भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, काफ़ी जगहों से बहुत ज़्यादा अच्छी है और ऐसी है कि आप नॉर्मल डेज में आके ना इसको ज़रूर उड़ाएँ आगे। आपको कैसी लगी? अच्छी है, काली मिर्च ज़्यादा थोड़ी, काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा है ना। हाँ ठीक है, अब अगला ज़रा स्टाइल है ना, इन्होंने लाल मिर्च और दूसरी मिर्च नहीं डाली, काली मिर्च डाली। हलीम वैसे भी स्पाइसी होती है, हाँ, और स्पाइसी इसमें होना ज़रूरी है, अगर स्पाइसी नहीं होगी तो वो हलीम नहीं कराएगी ना कहीं से भी नहीं होगी। उसको स्पाइसी करने के लिए उन्होंने काली मिर्च डाली है, तो इसलिए। और ये दानेदार भी है, हाँ वो थोड़ी दाने खड़ी खड़ी हैं, खड़ी खड़ी दाने हैं। अब हम आते हैं अगली ज़रा निहारी पे। निहारी का माशाल्लाह से थोड़ा सा शक्ल जो है वो बिगड़ी हुई है, बट स्टिल ये लेते हैं जी गोश्त। मुझे लगता है गोश्त मैंने उड़ा लिया सारा, अगर चाहिए थोड़ा सा इधर से ही ले लें। है ये हमने बना लिया, हाँ। ये देखिए बहन भाई दोनों, ये भाई है ये, हाँ वो चलो कह रहे जो मर्जी कह रहे, मैंने तो खाना ही है। चले बिस्मिल्लाह, लीमू डाल के भी एक नवाला लेते हैं। निहारी हलीम से ज़्यादा अच्छी है, ये बिल्कुल साकिब भाई का इस पर ओपिनियन मैं भी मुत्तफिक हूँ। और इसके साथ खा के देखते हैं ज़रा, ये जी स्पेशल स्पेशल इन्होंने कुलचा लगाया है, तो इसके साथ हम लोग ज़रा अब एक बाइट बनाते हैं और लेते हैं। अच्छा आ जाए जी, मैं पहले उठा लूँ। आप अपनी तरफ से ज़रूर पहले उठा, साथ उठाते हैं क्या, बरकत डलती है वैसे भी एक प्लेट में खाने से। अरे गोश्त बड़ा मज़ेदार है वाकई, बहुत ही मुलायम सा है, आराम से टूट रहा है, बड़ा मज़े का। ये जी एक एक नवाला रेडी हो गया है स्पेशल कुलचे में। लीमू के साथ तो हर चीज़ का ही मज़ा तो बन रहा है, तो लीमू के साथ डबल द इफेक्ट, बहुत मज़े की, बहुत मज़े की लग रही लीमू से। आपने लीमू के साथ नहीं कभी भी खाया? वैसे भी अच्छी है, मैं लीमू ज़्यादा जो है निचोड़ना पसंद करता हूँ खाने में। लीमू नहीं जोड़ता हूँ मैं, तबाही नहीं 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 वो नहीं, गुड रेफरेंस। इन्होंने कहा है कि मज़ा आपके नींबू निचोड़ने का ही है। ये जी नींबू मेरे हाथ में,
आप बाइट बनाए, बाइट बनाए, आप उस पर करें, मैं इस पर करता हूँ, ऐसे कर लें, बाइट बनाए मैम, मैम मैम ये फुल लीमू, एक लीमू पूरा नहीं छोड़ने दे, कोई बात नहीं, आज मैं इनको जरा कराऊंगा कुछ। ये तो आलू के चिप्स लग रहे हैं, अदरक है, बस उंगली बचा के, मुझे आपकी उंगली की फिक्र हो रही है। अच्छा उंगली को कुछ हुआ नहीं, वो आपने खुद लगाया हुआ ये ताकि कटे ना? अच्छा 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 अच्छा, ये हिफाजत के लिए लगाया हुआ है। तो जी गर्म हवा हो या ठंडी हवा हो, इन्होंने यहाँ पे बैठ के ना अदरक यहाँ पे काटना है हमारी निहारी के लिए। तो भाई हम लोगों ने निहारी खा ली है, हमने हलीम खा ली है, और अब हम लोग आगे जा रहे हैं लस्सी पीने के लिए और चने खाने के लिए। निहारी वॉज गुड इन इट्स ओन वे, यानी वो पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी कह रहा हूँ, लाहौरी निहारी जो होती है, कराची वाली निहारी होती है, उससे कंपेरिजन उसका ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये सरगोदा क्लास की थी। और अगर हलीम पर जाएँ तो हलीम वॉज ओके एज़ वेल, यानी इधर के लिहाज से ना टेस्ट जो है उनके थोड़े डिफरेंट थे, और हम लोग ऑब्वियसली उस चीज़ के अभी आदी नहीं हैं। तो दोनों चीज़ें वर्थ ट्राइंग बिल्कुल थी, और अच्छी थी अपने वे में। तो आप लोग चाहें तो ज़रूर खाएं, चाहें क्या, मैं कहता हूँ प्लीज़ खा लें, इतनी बात तो मान लिया करें अगर वीडियो देखते हैं। आए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते। ये निहारी वाला था, और इससे आगे हम लोग आए हैं अलहाज अब्दुल लतीफ़, अच्छा तीफा छोले वाला, यहाँ पर साथ आपको मैंगो मिल्क शेक और ठंडा गर्मा भी दस्तियाब है। तो हम लोग अब यहाँ पे खाते हैं छोले। इनका सेटअप जो है ना वो ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा है, साफ़ सुथरा वो भी था अच्छा था, लेकिन इनका ज़्यादा अच्छा है, साफ सफाई हो रही है। देखें ये चीज़ वर्थ यानी मेंशनिंग है, अच्छी बात है, साथ चाय भी मिल रही है, लेकिन हम लोगों ने पीनी है साथ लस्सी। अच्छा ये आपके ना अब्दुल लतीफ़ माशाल्लाह, आप ही हैं, आपके वालिद साहब हैं, तो कब से बना रहे हैं आप ये? 1966 से बन रहा है। और ये आपके थोड़े डिफरेंट क्यों लग रहे हैं, काले चने हैं ये? वाइट चने हैं, गोल गोल हल्के होते हैं, देसी चने। देसी चने, तो ये रंगत कैसे आ गई इनकी? ये हमारी अपनी टेक्निक है। अच्छा वो नहीं बतानी, रेसिपी बता दी ना मुझे। ये ठीक है, नहीं जी रेसिपी हम पूछते भी नहीं, क्योंकि हम लोग तो खाना ट्राई कर रहे हैं। बनाए सर प्लेट, अच्छा साथ आगे चावल है? हाँ वाइट चावल होते हैं, बॉइल्ड मटन होता है। अच्छा अच्छा बॉइल्ड चावल है साथ ही, नहीं हम लोग मटन चिकन तो खाते रहते हैं, छोले तो बाहर के, अंदर की और क्या नज़र आ रहा है? दिखाएं दिखाएं, थोड़े से निकालें ज़रा। दूर लाने गाना नहीं गाया था कौन? छोले बढ़िया पापड़ खा के होए जवान। ये अच्छा ये नूर जहाँ के पीछे इन्होंने यहाँ पे आलू छोले लगाए हैं, इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं नूर जहाँ के गाने सुन सुन के। मैं तो उसके पता नहीं 31 साल बाद पैदा हुआ था, मैं बड़ा नया हूँ। बनाए बनाए एक प्लेट बनाए, माशाल्लाह ये हाथ से डालते हैं, इज़ ओन टेक्निक। तो देखिए आपको चावल डाल के देखते हैं ये, हाँ यानी प्रॉपर इन्होंने हिसाब अपने हाथों से रखा हुआ। ये छोले आ गए और साथ में आलू आ गया, छोले का रंग का नहीं इन्होंने बताना कि क्यों है, लेकिन माशाल्लाह साथ ये बॉयल्ड अंडा भी है, ठंडा करके बॉयल्ड अंडा ठंडा करके। अच्छा अच्छा अच्छा, चावल अच्छा ये है कितने का सर, ये क्या प्राइस क्या है? 100 रुपये की प्लेट है सर, चावल चलो की 100 रुपये की प्लेट, भाई यानी छोटी बड़ी प्लेट नहीं है उसमें? ठीक ठीक। इधर इनके साथ ही इमरान जोइया साहब, ये टिक्की किस चीज़ की है जी? ये चिकन दाल की, चिकन और दाल की, हाँ ये बना रहे हैं, ज़बरदस्त बड़ा, तो ये तो मज़े का लग रहा है। और साथ क्या जी आपके पास? चिकन बिरयानी। दिखाएं जरा बिरयानी की शक्ल तो दिखाएं, आलू वाली चिकन बिरयानी। अच्छा ये अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये लग रहा है जैसे पुलाव के चावल होते हैं, और साथ पुलाव के भी संडे होते बल्कि, और साथ उन्होंने रखा हुआ जी चरगा, तो इट्स नॉट बिरयानी जो मशहूर है। हाँ तेरी बना लेना, एल एल एल, आज 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 आज, हाँ करो हूँ सफाई करो ना, हूँ आओ कैमरे चाहो। आप क्या रोज रोज ही खाते हैं? रोजाना मेरा 12 महीने का यही खाना नाश्ता है। माशाल्लाह खाएं जरा, एक जरा खाएं और अपने जरा दिखाना है कि आपको मज़ा आया है, अगर आया तो, अगर नहीं आया तो नहीं। बहुत मज़ा आ रहा, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त, खाएं 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 माशाल्लाह। ये फ्रेश सलाद पड़ा हुआ है साथ, रायता जरा उठाएं जरा, गाढ़ा गाढ़ा रायता, ये कोरमा यार, ये तो बड़ा कुछ बेच रहे हैं बहुत अलग।
भाई ने सही इसको निशानदेही की है। अच्छा ये तो चावल और चने आ गए जिनकी रंगत का उन्होंने मेरा राज नहीं बताया। ये काले चने कहीं से भी नहीं है, वाइट चने चने आए, चने आ गए जी। तरी सी है, गोले चने हैं, साथ चावल है, नान है, प्रॉपर पतला सस्ता सा। ब्लॉग के इस पार्ट में और कुछ और अगले पार्ट्स में मैं कैमरामैन को कैमरा पकड़ाने से पहले माइक को ऑन करना भूल गया। तो अगर आप लोग को आगे जाके कहीं पे भी सुनने में दुश्वारी होती है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ आप लोग को बताता चलूँ कि तीफे के चने बहुत ही उम्दा, लजीज और क्रीमी हैं। इनमें मिसालों का इस्तेमाल बहुत ही कम है, इसलिए हम में से कुछ लोगों को ये ब्लैंड लगेंगे। हम दोनों को ये चने नान के साथ खाने में वो मज़ा नहीं आया जो हम लोगों को बॉयल्ड चावलों के साथ खाने का आया, क्योंकि नान अपना जायका दे रहा था लेकिन ऑन द अदर हैंड बॉयल्ड चावल उसको बिल्कुल भी ओवरकम नहीं कर रहे थे। अब आगे आप लोग वीडियो को एंजॉय करें और दोबारा मैं माजरत चाहता हूँ अगर आप लोगों को कहीं पर भी सुनने में दुश्वारी होती है। कोई एडिशनल मसाला नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, सही है। नान रोटी साइड पे करें, चावल इसमें ज़्यादा होता है। हाँ नान का अपना फ्लेवर है जो उसमें आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है फीके चावलों के साथ, यानी ये फीके चीज़ है और वो ज़्यादा फ्लेवर में आ गया, वो ऊपर आ गया। यहाँ पे फीके चावल के साथ चीज़ आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी। रोड से जी सीधा आ जाएं तो ये आपको अलहाज अब्दुल लतीफ सन्स सेंटर पहले कह रहा था, उधर से आगे जाएं तो वो दूर वो देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं महर चाचू लस्सी हाउस, आए जरा उनकी लस्सी। चने जो है देवर गुड इन देयर ओन वे अगेन, जैसे मैंने उसका कहा था आपको हलीम का और निहारी का, चने ये थे कि थोड़े ब्लैंड से थे, टेस्टलेस से थे हमारे लिए, क्योंकि हम लोग खाने के शौकीन है स्पाइसेस, हम लोग जब तक सीने में जलन ना हो हम लोग को सुकून नहीं मिलता, तो ठीक थे, अच्छे थे। जैसे घर के अंदर काले चने और साथ चावल नहीं बनते, उसी तरह से ये वाला कॉम्बिनेशन था कि वाइट चने और साथ चावल। चने थोड़े से क्रीमी थे, टेक्सचर उनका क्रीमी था, और वो इसलिए था क्योंकि उनको बनाया बहुत प्यार से गया था और कोई भी एक दाना भी कच्चा नहीं था। तो खाना चाहे तो खा सकते हैं क्योंकि मशहूर है, मैंने आपको जैसे बताया। अब मैं पहुँच गया जी महर चाचू लस्सी हाउस, ये देखें हम कहाँ पे, महर चाचू लस्सी हाउस एक बाहर इस मेन रोड पर है, वहाँ पर हम लोगों ने नहीं जाना क्योंकि वो असल इनके साथ दूसरी ब्रांच जो है वो इनकी यूनिवर्सिटी रोड पे है। तो आगे आ जाएँ वहाँ जाएँ, आपको क्वालिटी एक लस्सी मिलेगी, लेकिन क्वालिटी कैसी है वो बताते हैं। ये लस्सी की ये क्या मशीन है? अच्छा वो कहते मशीन में, यानी वो हाथ से नहीं आपको करना पड़ा है? मैं पहले इसको देख रहा हूँ क्योंकि वो हाथ से ही लड़ते रहे हम लोग देखते हैं। हाँ ये पूरा का पूरा ये एक एक में तैयार हो रहा है, अपनी फार्म में जहाँ से लेते हैं, ठीक हो गया। और है कितने की, क्या प्राइस है? लास्ट 50 का है, मतलब 70 का है। वो डिस्पोजेबल भी कोई होती है ना आपके पास? डिस्पोजेबल वो कितने की? वो ग्लास 60 का है, मतलब 80 रुपये का। अच्छा अच्छा अच्छा, साथ मलाई ऊपर डालते हैं? हाँ 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 हाँ, मलाई डाल के और ऊपर क्या मलाई डालते हैं, कोई पेड़ा शेड़ा नहीं? पेड़े वाली पहले अब क्यों नहीं देते? पेड़े वाले नहीं, मैं हूँ, मेरे लिए बेचे। अच्छा चले ठीक है, वही और नहीं नहीं जो है जो अच्छी चीज़ है ना वही वही जो प्योर है, पेड़ा तो अलग हो जाए बिल्कुल। ठीक है इनको नहीं पता वो जरा सर्च करें क्या होता है। ये बंदा महर चाचू लस्सी हाउस, इनके वालिद साहब हैं ये बैठे हैं, इनके वालिद साहब हैं जिनका नाम था महर, और दूसरी ब्रांच यूनिवर्सिटी रोड पे, यूनिवर्सिटी रोड पे है ना, यूनिवर्सिटी रोड फरूख फरूख अली के साथ। ठीक ठीक चले आए चखे लस्सी।
या तीन गुलाब। लो भाजन भी तीनों एक साथ अब ये चढ़ाने लगे हैं, एक एक लस्सी का मग्गा करें जी शुरू। आ जाए इतनी रिफ्रेशिंग है, इतनी रिफ्रेशिंग है इधर। यानी अब लाहौर में हम लोग जब पी रहे होते हैं ना लस्सी, तो बड़ा कम कम इतनी रिफ्रेशिंग हमें लस्सी मिलती है। और अच्छी जो है वो आपको बताइए कि चेजे की है, वहाँ पे उतनी गाढ़ी नहीं है, इसके अंदर दूध का और उसका जायका थोड़ा ज़्यादा है, एज इन दही दही जो है वो थोड़ा ज़्यादा यानी हैवी सी है, लेकिन बहुत कमाल है, बहुत मज़े। मैं साकिब भाई और अली हम लोग फिर अभी अपनी यहाँ पे सुबह को ख़त्म कर रहे हैं। तो एपिसोड नंबर वन सरगोधा के खानों की यहाँ पे ख़त्म होती है। एपिसोड नंबर टू बहुत जल्द हाजिर होगी। लस्सी जो है अदरड़का जिसको कहते हैं, ये अदरड़का था, ये लस्सी नहीं थी, अदरड़का वेरी गुड, बहुत अच्छी थी, लेकिन इससे अच्छी हो सकती है। लेकिन अगेन हम लोग आदि हैं दूसरे ज़्यादा कंपटीशन वाली जगहों के, तो इधर के लिहाज से तो बहुत कमाल सी गई है लस्सी और बहुत ही रिफ्रेशिंग सी थी। तो पिए, और मज़े की बात ये है कि एक साथ हैं ये स्पॉट्स, और अपना बहुत ख्याल रखें। और ये मेरी वीडियो बनाना शुरू हो गए हैं, चले यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।